हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सरिता और आज आपके लिए लेके आई हूँ गैस से जुड़ी तीन रेमेडीज़ जो फिर से आप अपने किचन से बना सकते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि हमें गैस होती क्यों है। जब हम मॉर्निंग में उठते हैं और उठने के बाद जब हम फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने के बाद जब हम लंबे समय तक अपने पेट को खाली रखते हैं तो हमें गैस हो जाती है जो एक एसिड का रूप ले लेती है। दूसरा, अक्सर हम देखते हैं कि खाना खाने के बाद भी हमें गैस हो जाती है। जब हम खाना खाते हैं और हम लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो भी हमें गैस हो जाती है। इसके और कई कारण होते हैं, कॉन्स्टिपेशन, ईटिंग रैपिडली, फिजी ड्रिंक्स, स्मोकिंग, ऑयली फूड, स्पाइसी फूड, ये सब भी इसी के कारण है। इन सब चीज़ों को लेने से भी हमें गैस होती है। अवॉइड करें आप स्टार्च वाला खाना जिसमें स्टार्च की मात्रा अधिक हो, उसे अवॉइड करें। फूल गोभी, पत्ता गोभी अवॉइड करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप सुबह खाली पेट दूध न पिए, क्योंकि दूध के अंदर लैक्टोज की मात्रा अधिक पाई जाती है जो हमारे खाने को देर से हजम करती है। तो हमें दूध अवॉइड करना चाहिए खाली पेट। बढ़ते अपने रेमेडीज़ की तरह, मैं एक एक करके आपको तीनों रेमेडीज़ बताती हूँ आपको किस तरह से लेनी है। फ्रिज, पहली रेमेडी है हींग, और इसके साथ आप ऐड करेंगे ब्लैक सॉल्ट। आप ब्लैक सॉल्ट और सेंधा नमक दोनों यूज़ कर सकते हैं, ये आपको सिर्फ टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करना है। ये आप देखेंगे कि इतना ही मैंने यूज़ किया है। इसमें आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करके हल्के से गुनगुने पानी से ले सकते हैं, और आप लेते समय थोड़ा सा गुनगुना पानी लें और एक कप पानी लें, इससे ज़्यादा पानी आप ना पिए। दूसरी रेमेडी की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी रेमेडी है अजवाइन, इसको थोड़ा सा दरदरा कर रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, आपको दिख रहा है तो कि अजवाइन है, इसको मैंने थोड़ा सा दरदरा कर लिया। इसे भी आप थोड़ा सा काला नमक ऐड करके लें, 1/4 टेबलस्पून आप ले इसको, मैंने उतना ही डाला हुआ है बाउल में। ये देखिए इस तरह से, इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक ऐड करके इसे भी आप सादे गुनगुने पानी से लें। खाना खाने के बाद आप जब मर्जी ले सकते हैं। तीसरी रेमेडी है फ्रेंड्स, तीसरी रेमेडी के अंदर मैंने लिया है जीरा, सौंफ, देखिए सौंफ है, काली मिर्ची, मैंने आधा टीस्पून जीरा लिया है, आधा टीस्पून सौंफ ली है, और 4 काली मिर्ची, आधा टीस्पून ये है सौंठ का पाउडर, ये मेरे पास पाउडर फॉर्म में था इसलिए मैंने पाउडर फॉर्म में ले लिया, काला नमक, और ये खाने का सोडा जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं, ये आपको 1 टेबलस्पून लेना है। आप फिर से क्वांटिटी देख लीजिए, 1/2 टेबलस्पून जीरा, 1/2 टेबलस्पून सौंफ, 4 काली मिर्ची, 1/2 टेबलस्पून सौंठ पाउडर, एंड ये नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, और 1 टीस्पून खाने का सोडा जो अपने घर में आप यूज़ करते हैं, ये भी आप गुनगुने पानी से लें। आप तीनों रेमेडीज़ को एक साथ बिल्कुल ना लें, और तीनों को हल्के गुनगुने पानी से लें, पानी 1 कप से ज़्यादा ना पिए, और आप हो सके तो सुबह उठकर आधे घंटे के अंदर कुछ खा लें, और पॉसिबल हो तो हर 2-2 घंटे के अंदर आप कुछ खाते रहें जिससे आपका स्टमक खाली ना रहे और आपको गैस ना हो। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।